सर, ऑल टाइम हाईस की खूब खूब बधाई, 14,000 के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हुआ है निफ्टी। बताइए क्या खरीदना चाहेंगे आज के मार्केट में आप? धन्यवाद हेमंत, और आप सभी को सुप्रभात हमारे सुप्रभात तरफ से। सर। और सर्वोच्च ऊंचाई पर जा करके फिर एक बार परचम लहराने की अनेक अनेक बधाई आप सभी को और सीएनबीसी आवास के दर्शकों को। तो विकल्प के रूप में हमने ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल में से ऐसे तो 3-4 कंपनियां हैं, लेकिन अगर एक विकल्प ढूंढना है वहां पर तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसका हमने जब पहले बार जिक्र किया था कुछ महीनों पहले तो 520-530 का लक्ष्य हमने दिया था, लेकिन अब जो दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं तत्पश्चात हमने इस लक्ष्य को ऊपर की तरफ खींचा है और 560 का किया है। और ये मेरे ख्याल से कुछ मध्यम अवधि में भी आ सकता है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि तीसरी तिमाही की और चौथी तिमाही के नतीजे इन सब कंपनियों के ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल में गैस रिलेटेड सेक्टर के काफी बेहतर आ सकते हैं। गौरांग सर, जो आज खरीदने की राय हो आपकी तरफ से? हेमंत, हमने पिछली बारी एक्सिस बैंक की बात की थी जब 600 पे था, पिछले हफ्ते जब आपसे जुड़े थे, और हमने आईसीआईसीआई बैंक का भी जिक्र किया है कई बार। अगर एक छोटी बैंक आपको ढूंढनी हो तो मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक 65-66 के आसपास है। नतीजे अब जो दूसरी तिमाही के आए थे वो काफ़ी बेहतर आए थे, और तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे के आधार पर ये मेरे ख्याल से 80-85 तक जा सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निवेश लायक स्टॉक है फेडरल बैंक। जी स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस हरे निशान को देख रहे हैं? निफ्टी अब 15 अंक ऊपर, दिन का जो लो था 13,870, अब आपके सामने 947। बताइए क्या कीजिएगा, कोई एक अच्छी कॉल शेयर कीजिए हमारे साथ। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। ये जैसे अभी मेरे ख्याल से रनिंग करेक्शन का जिक्र हुआ था, और यही मेरे ख्याल से दर्शा रहा है कि बाजार नीचे जाता भी है तो उसी दिन या फिर कुछ दिनों में फिर से लौटता है और एक सर्वोच्चम स्तर बनाता है ऊपर की तरफ, और ये सिलसिला मेरे ख्याल से जारी रहेगा आने वाले साल में भी। और उसी लिहाज से अगर आप मुझे विकल्प पूछे मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो आईटी क्षेत्र में जो दिग्गज है टीसीएस, इसको आज पसंद किया है। मध्यम अवधि की अगर आप बात करें तो 3,350 तक के लक्ष्य लगते हैं हमें शेयर जी, और नतीजे जो कि हमें उम्मीद है बेहतर ही आएंगे तीसरी और चौथी तिमाही के और अगले वित्त साल के, तो उस आधार पर हम ये जो लक्ष्य है उसको ऊपर के तरफ लेके जाएंगे। लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मूव कर रहा है, सीमेंट पे आपकी अप्रोच क्या होगी, और टॉप प्रायोरिटी वो स्टॉक जिसको आप चेज करना चाहेंगे वो कौन सा होगा? आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सीमेंट क्षेत्र का जिक्र मेरे ख्याल से शैल जी को याद होगा, हमने बारिश का मौसम खत्म हो रहा था तभी बातचीत की थी, और मैंने ये भी जिक्र किया था कि बारिश के मौसम में जब निर्माण कार्य धीमी गति पर चलता है तब भी जो महीने दर महीने सीमेंट के बोरियों के आंकड़े आए थे वो काफी सकारात्मक आए थे जब आप तुलना करते हैं पिछले साल की या उससे पहले के साल की। और अब जब ये मौसम बीत चुका और अब ये सब वास्तविकता सामने आ रही है निर्माण कार्य को लेकर के, भारत निर्माण को लेकर के, जैसा आप जिक्र कर रहे थे वीरेंद्र, रियल एस्टेट क्षेत्र की शक्ल सूरत में सुधार हो रहा है नीतियों के बदलाव के कारण, और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सीमेंट का, जितना भी उत्पादन हमारे देश में होता है। और जहां तक क्षमता की बात करें तो मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक सर्वोच्च स्तर पर आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनके पास जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। और कोई एक नाम अगर मिड कैप, क्योंकि अल्ट्राटेक का जिक्र हो चुका है तकनीकी तौर पर, तो मिड कैप में अगर मैं एक पसंद करना चाहूं तो वो होगा दालमिया भारत सीमेंट। ब्रिटानिया, नेस्ले, अभी प्री बजट मूव के एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आईटीसी भी इंक्लूड करता हूं इसमें, आप क्या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, स्पेशली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में या फिर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में? तो मैं इस क्षेत्र का बहुत ही एक्टिव एक शेयर है टाटा कंज्यूमर, इस पर मेरी निगाहें काफी लंबे समय से हैं। और अगर आप प्योरली छोटी या मध्यम अवधि के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर से बेहतर शेयर नहीं हो सकता है।
शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, अगर आप प्लीज अपना व्यू शेयर करें इस पे। तो वीरेंद्र, अभी सीमेंट क्षेत्र का जिक्र हो रहा था बार बार और काफी मजबूत है, और मेरे ख्याल से सचिनानंद जी ने रामको सीमेंट का जिक्र किया था। ये स्टॉक मुझे मझौली सीमेंट क्षेत्र की कंपनी में बहुत पसंद आता है। 805 और 800 के बीच में आप अपना जोखिम सुरक्षित रखें, और ये 811-812 के आसपास चल रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये छोटी अवधि में 830-835 के आसपास चला जाए।